Hi guys, very good morning. So it's around 5 in the morning और आज मैं शिमला जाने वाली हूँ अपना पासपोर्ट का काम करवाने. तो मैं बहुत ज़्यादा मुश्किल से उठी हूँ रात को भी. मैं बिना मुँह धोए सो गई हूँ. आप मस्कारा देख सकते हो, इट्स स्टिल ऑन. माय फेस इज स्वॉलन, मैं बहुत ज़्यादा सूज गया हूँ. तो बस मैं पैकिंग कर रही हूँ. मैं आपको रेडी हूँ कि तो मैं रेडी हो चुकी हूँ और मैं निकल चुकी हूँ. और हमारे साथ अमृता भी जा रही हैं क्योंकि ताकि हम लोग थोड़ा घूम सके अपने काम करवाने के बाद. होपफुली इस बार मेरा पासपोर्ट बन जाएगा बिकॉज दो बार तो रिजेक्ट हो चुका है. इसलिए मैं काजल लगा के आई हूँ ताकि मेरी अच्छी फोटो आए. आई एम वेयरिंग दिस ब्यूटीफुल ड्रेस. मॉर्निंग व्यू इज़ सो अमेजिंग एंड सो पीसफुल. सुबह सुबह भी इतनी ज़्यादा गर्मी है कि मैं क्या बताऊँ. सो आई एम वेयरिंग दिस बर्थडे ड्रेस ऑफ माइन जो मुझे मेरी बेस्ट फ्रेंड ने गिफ्ट किया था. तो आई वाज सेइंग दैट यहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी है कि सांस लेनी मुश्किल हो चुकी है यहाँ पे. तो बस मैंने अपने साथ शर्ट कैरी किया है कि धूप लगेगी और मेरी बाहें जलने लगेगी तो मैं उसे पहन लूँगी. एंड आई हैव कैरीड वन कार्डिगन एज वेल अगर वहाँ पे सर्दी होगी तो. मेरा फेस इतना मोटा लग रहा है क्योंकि वो सूज चुका है आजकल. बहुत ज़्यादा ही सूज रही हूँ. आई डोंट नो व्हाई, बहुत ज़्यादा ना. तो मैंने अपने लिए साथ कैरी किया है एक चिप्स और दो फन पॉप एंड फन फ्लिप. तो हम करने वाले अपनी जर्नी स्टार्ट. सो विश अस ऑल द बेस्ट गाइस, लेट्स रॉक इट. सो मैं आप सभी को बताने वाली हूँ कि एक हफ्ते में जिस टाइम मैं बिल्कुल भी एक्टिव नहीं थी सोशल मीडिया में, उस टाइम मेरे साथ क्या हुआ है. हमारे वहाँ पे वेयर वीक था, जैसे आपने मेरा लास्ट व्लॉग देखा होगा. तो उसमें मैं इतनी ज़्यादा क्या बोलते हैं उसे ऑक्यूपाइड थी. आई वॉज सो टायर्ड बिकॉज ऑफ दैट कि मतलब अगर मैंने कोई वीडियो बनाई भी है तो भी मैं उसको एडिट नहीं कर पा रही थी और अपलोड करने का भी टाइम नहीं मिल रहा, कुछ भी करने का टाइम नहीं मिल रहा था. नॉट दैट यू केयर बट स्टिल आई एम जस्ट लेटिंग यू नो गाइस दैट आई वाज बिजी. मैं अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी रहती हूँ अपने काम से और अपनी पर्सनल से, बट फिर भी मैं थोड़ा बहुत टाइम निकालती हूँ कि मैं सोशली थोड़ी एक्टिव रहूँ. क्योंकि जब मैं छोटी हुआ करती थी, छोटी इन द सेंस जब मैं 15, 16, 17, 18 साल की थी, तो मैं बिल्कुल भी सोशली एक्टिव नहीं थी. तो अब मैं सोशली एक्टिव हूँ बिकॉज अब मैं बूढ़ी होने वाली हूँ. आई मीन माई 20s. तो इसीलिए यही टाइम है कि मैं सोशली एक्टिव हो सकती हूँ. उसके बाद तो वैसे भी मैंने बूढ़ा ही हो जाना है. सो एनी विच वेज, सो दैट्स माई मोजो गाइस. ओके, सुबह सुबह उठ के कितना अच्छा फील होता है. लाइक आई एम रियलाइजिंग इट नाउ, ना ज़्यादा गर्मी है, ना ज़्यादा सर्दी है, ना चिपचिप है और ना ही ट्रैफिक है. सब कुछ इतना स्मूथ, एवरीथिंग इज सो स्मूथ और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सी वाइब्स आ रही है. और मतलब हरियाली दिख रही है, लोग दिख रहे हैं वॉक करते हुए अपनी ही शांति में. अदरवाइज तो ऐसे पाँ 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 ट्रैफिक परेशान हो जाती है इंसान ना. इट्स वेरी पीसफुल. मतलब मैं अगर इफ आई एम इन अ कार, सो आई डोंट नो व्हाई आई हैव दिस हैबिट कि मैं ना मैं रोड पे ही देखती रहती हूँ ऑल द टाइम. वाओ दिख रहे हो दोस्तों कितनी अच्छी धूप थी यार. इसको थोड़ा स्टेबल रखो तो. ओह सन किस्ड, आई वाज जस्ट किस्ड बाय अ सन. वेलकम वंस अगेन, आपका मेरे व्लॉग में स्वागत है. कैसा लग रहा है? पता है अभी ना इतनी अच्छी धूप आ रही थी ना, यहाँ से इतनी अच्छी व्यू आ रही थी, तो सन किस जैसी ना. भी रुक जा, अभी मैं दिखाऊंगी. सी दैट ब्यूटीफुल अमृता, वी आर सन किस्ड. आई एम सन किस्ड.
हम लोग फाइनली शिमला मतलब हिमाचल के अंदर एंटर करते हैं एंड व्यू आप देख सकते हो कितना ज़्यादा सुंदर है और कितना ज़्यादा पॉल्यूशन फ्री जगह है, इट्स सो ब्यूटीफुल। पहुँच गए हैं सोलन के पीछे और अब हम लोग थोड़ा कुछ खाने के लिए रुके हैं, तो अभी तो कुछ भी नहीं खुला है बिकॉज अराउंड 7 इन द मॉर्निंग, तो इसीलिए अब हम खाएंगे मैगी। मेरी चप्पल अच्छा लग रहा है यार, ठंडा ठंडा हवा आ रही है। जा रहे हैं धूप में ताकि हम थोड़ी सी अच्छी सी फोटोज आ सके क्लियर क्लियर ना। आप मेरी चप्पल देख सकते हैं, मैं चप्पल पहन सी। हम कहीं पे आए हैं एंड इट्स सो ब्यूटीफुल व्यू। कोई आया ही नहीं मेरी फोटोज खींचने के लिए। वेरी बैड अमृता। देखो आगे से जल रखा है इसको, जीक जंगल को देख के थोड़े बोंगे से नहीं बज रहे, बोंगे इन द सेंस की थोड़ी बीटी नहीं बज रही है। अब मैगी खाएंगे। मी टू यार, आई एम सो हंग्री टू। भाई मैं इधर बैठ के गाना नहीं बना सकती, सो हंग्री। अब हम मैगी खाएंगे। राम से ना अच्छा है, बहुत अच्छा है। देखो गाइस हमारे ब्लॉगर, हम लोग शिमला के लिए लेट हो रहे थे तो फिर हम लोग जल्दी जल्दी शिमला चले गए बिकॉज मेरा अपॉइंटमेंट था 11 बजे का, तो हमें 11 बजे से पहले पहुंचना था। गाइस हम पहुंच गए शिमला और हम लोग इस कैफे में हैं। दिस ब्यूटीफुल व्यू, आप देख सकते हो ऐसा लग रहा है हम लोग कहीं ऐसे आसमान में हैं। हमको तो कैसा लग रहा है, क्या अच्छा लग रहा है। गाइस फाइनली मेरा फोटो खींच चुका है पासपोर्ट के लिए एंड आई एम सो हैप्पी। अब मैं फाइनली अपना ट्रिप आराम से घूम सकती हूँ और बहुत गर्मी लग रही है मुझे ना। ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, और जो मेरा एडवांस स्टडी वाला व्लॉग है वो आप अपकमिंग उसमें देखोगे, क्योंकि अगर मैं उसमें ये वो वाला पोर्शन बीच में डाल दी तो ये बहुत ज़्यादा लेंथी जाता क्योंकि वहाँ पे बहुत कुछ कवर करा है हम लोगों ने। तो इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। सो दिस इस वीडियो का नाम होगा माई जर्नी शिमला और आई सक्सेसफुली माई पासपोर्ट। अमृता क्या रखना चाहिए हमें इसका, वो इसका टाइटल? हाँ कहाँ, अभी तो मिला ही नहीं मुझे। आई जस्ट थिंक कि मुझे क्या रखना है, आई जस्ट थिंक बट फॉर नाउ बाय। सो बाय।